बाणी महाराज तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी दी है। संतां दी बाणी जदों अच्छी तरह पढ़ी जाए सुनी जाए इस तरह मालूम होंदा है कि जिस तरह वो अपनियां ही गल्लां कर रहे जो कुछ उन्होंने कीता है सो बाणी च लिखिया है। भगती दा खजाना जिहड़ा क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट जिहड़ा अलग अलग होंदा है अलग अलग कोर्स होंदे है दुनिया दे विच भी अलग अलग कोर्स ने और परमार्थ दे भी अलग अलग कोर्स ने। बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं जिन्हां दा बहुत सारा टाइम लगता है जिन्हां दे सानूं सारी चौरासी भुगत के भी किते मुश्किल ही मनुष्य जन्म मिलता है। कई कोर्स ऐसे है जिन्हां तों जल्दी ही असी अपने देश जा सकते हैं। वो कोर्स किन्हां दा है? संतां महापुरखां दा।
महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी दुनिया के नाल रले मिले। पहली अवस्था दे विच उन्होंने बहुत सारे काम किए। 22 बार इतिहास में दसिया है कि उन्होंने तीर्थ यात्रा की सी और जग मोशे भी करते रहे, पर जिस चीज़ की ख्वाहिश सी जो चाहते सी वो उन्होंने मिलया नहीं। उन्हां दे घर विच ही उन्हां दी भतीजा नूं लगदी सी जिसनों बीबी अमरो करके बुलाउंदे आ, वह सतगुर की बड़ी प्रेमन सी और अपने पिता का हुक्म मनदी सी, भजन करदी सी। जब सुबह भजन तो उठना तो बड़े लहर नाल शब्द पढ़ने, शब्द पढ़ने विच बड़ा फर्क है। कुछ शब्द अंदरले दिलों पढ़िया जाता है, बराग नाल पढ़िया जाता है, कुछ असी देखो देखी नकल करते हैं, नकल तो नकल ही होती है। तो जिहड़ा दिलों पढ़िया जाए उहदा हर एक बंदे नूं प्यार आउंदा है, क्योंकि उहदे अंदरों बवाल उठता है, उहदे अंदरों विरिया आउंदी है, उहदे अंदरों प्यार आउंदा है। वो कुछ होर चीज़ होंदी है। नाल उसने घर का काम करना, नाल शब्द पढ़ने, ये शब्द पढ़िया जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ए ती चांदन होंदिया गुरविन कोर हंधार। जब गुरु साहब ने सुनिया, लड़की नूं पुछया बीबी तू किहदी बाणी पढ़ रही है, उसने अपने सतगुरु का इशारा दिता। कहन लगे असी सतगुरु के पास कई बार गए हैं, तेरे पिता के पास असी कई बार गए हैं, महाराज तुसी जाते रहे हो पर तुसी उन्हां दे रिश्तेदार बन के जाते रहे हो, वो रिश्तेदार बन के तुहाड़ा आदर मान कर देंदे रहे है, ना तुसी कुछ लैन गए ना तुहानू उन्हां कुछ दिता है। ये साड़ी हर एक बंदे की खास जड़ी अलग अलग है। साड़ी अंदरली भावना ने करना है जो कुछ भी करना है। बाहरों असी जितने मर्जी है गल्लां बातां करिए, जो मर्जी होइए, जो साड़े दिली अंदर भावना है, प्यार है, उस प्यार ने ही सब कुछ करना है। जदों इन्ना बचन लड़की ने कहा तो गुरु साहब जी बड़े परेशान होए और अफसोस भी किया कि गंगा के घर में ही बगदी सी पर मैं इशनान नहीं कर सकिया। उस वक्त लड़की नूं कहा कि मैनू अपने पिता के पास लै चल। लड़की कहन लगी कि मैं नहीं जा सकती, मैं अपने पिता का हुक्म मनदी हाँ, जदों मैनू इत्थे भेज दे मैं इत्थे आ जानी हाँ, जदों मैनू उत्थे बुलाउंदे मैं उत्थे चला जानी हाँ, मैं अपनी मर्जी नहीं करती। जदों बंदे दे अंदर प्यार होवे तो उन्हूं गल करन दी समझ आ जाती है, जदों प्यार ना होवे गल करन दी समझ नहीं आउंदी। गुरु साहब ने सोचिया ये लड़की जो कुछ कह रही है ठीक कह रही है। लड़की नूं कहा बेटी तू ये दस सहुरे और पिता दे विच कितना कु फर्क होंदा है, मैं भी तो तेरा पिता ही लगदा, आज तू मेरा हुक्म मन लै ते मैनू अपने पिता के पास लै चल। लड़की लाजवाब हो गई। उस वेले लड़की लैके तुर पई, पर मन बड़ा शैतान है, वो साढ़े सारे के अंदर बैठा है। कई बलबले आए दिल के, कई ख्याल उल्टे फुलटे आए कि वह साढ़े रिश्तेदार है। कल अजी असी आपस अंदर खेलते सी, आपस अंदर काम काज करते सी, गल्लां बातां करते सी, अज रब्बी ताकत कित्थों आ गई है। पर फिर भी उस लड़की दे नाल गुरु साहब जी चला गए। जब गुरु साहब जी अगों आदर मान करन लगे, कहन लगे हुण साडा आदर मान ना करो, असी तुहाडे रिश्तेदार बन के नहीं आए, असी तुहाडे सेवादार बन के आए।
सानू कोई सेवा बख्शो, नाम दान बख्शो, दया करो। गुरु साहब ने सोचा ये हुण कुछ लैण आए, पर किसनू देईए असीं? हर बंदे दे अंदर कोई ना कोई माण हुंदा है। कोई भी कोई बंदा काम करता है उहदे अंदर जरूर माण की किरण आउंदी है। सोचा कि इहनां दे अंदर माण है कि 22 बार असीं तीर्थ यात्रा कीती है, जग मौजे भी करते रहे हैं, तो फकीरां दा काम की है? जिस तरह हजरत बहू साहब ने बाणी च फरमाया, पत्थर चित जिन्हां दे बाहू उत्थे जाया वसना मीह आप। सब तू पहला साढ़े हंकार ते माण नूं, जिहड़े साढ़े दिल दे पत्थर बने अंदर, इन्हां नूं फकीर जिहड़े है ये खत्म करदे है। जितना चिर साढ़े विच माण हुंदा है उत्थे नाम दा कोई तलक नहीं। एक म्यान च दो तलवारां नहीं रह सकदियां। उन्हां सोचिया कि इन्हां नूं कोई ऐसी करड़ी सेवा दसीए जिहदे नाल जल्दी तो जल्दी साफ हो जाण। की सेवा दसी कि भाई अगे तू तीर्थां दा इशनान करदा सी, हुण पाणी लिया के मैनू इशनान कराया कर। कई बार अगे भी दसिया है कि संत मते का पेज बड़ा उल्टा जिहा है, जे सीधा पै जाए तो जल्दी ही फिट हो जाता है, तो जे ना एक दंदे का भी फर्क पै जाए तो सारी दिन भावें लगा रहे जां उम्र भी लगा रहे तो फिट नहीं होंदा। शनान कोई करे मैल किसी दी लथे, 6 मील जाना और 6 मील आना, 12 मील रोज का सफर, बिरदवस्था और सिर ते पानी दी मटकी, सही टाइम ते आके शनान कराउना। कई बार दिल च सोचिया है गल्लां करनियां बड़ियां सुखलियां होंदियां, कम करना बड़ा औखा है। 12 मील सफर करदे सी, किस वक्त तो सौंदे होणगे, किस वक्त उठते सन, सही टाइम ते आके शनान कराउंदे सी, फिर कुड़म कुड़म दा पानी ढोवे, कितना औखा है। कुड़म ते घर गए दे किसे दे मंजे तू पैर नहीं थले लाउंदा, किसना उन्होंने माण बड़ियाई नूं छड्डिया। कई ताने मीणे अमरू न थाया, इसनों कोई थां नहीं, दिन राती तुरिया रहिंदा है, पर उन्हें परवाह नहीं कीती। ये सारे फकीरां दे नाल ताने ते मीणे जिहड़े है चलदे ही रहिंदे है, पर कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है जे कोई सुट्टे गुदड़ कूड़ा बांग या रूड़ी सही है। भाई जो भी कोई सुटदा उन्हें रूड़ी की तरह सही जाओ, सबर की झोली बना लो, उहदे च पाई जाओ। एक दिन वह रूड़ी जिहड़ी है उहदी कीमत पैंदी है। कई बार अगे दस्या कि जिहड़ा रूड़ी च तत् हुंदा है वह साढ़े घ्यो च नहीं है। कोई अमीर आदमी अपनी खेती विच घ्यो दे कनस्तर डोल देगा तो किन्ना क फसल हो जाएगा, पर जिथे रूड़ी पाई होगी वह दस देगी कि मैं इत्थे पई हाँ, क्योंकि उहदे च जिहड़ा तत् पैदा होंदा है। असी सारी दुनिया ही इको जे है, पर जिन्हां फकीरां ने दिन रात नाम की कमाई कीती है उन्हां विच वह तत् पैदा हो जाता है जिहड़ा सारियां नूं फायदा दिंदा है। वह तत् पैदा हो जाता है रूड़ी की तरह। गुरु साहब ने 12 साल गुजर गए, 12 साल उन्होंने पानी लिया के अपने मुरशद नूं इशनान कराया। 12 साल के बाद उन्होंने अंदर वो शब्द प्रगट होया जिहड़ा भगती का खजाना है। ये नहीं कि सानू बैंक की चाबी मिल गई है जां कोई जमीन दे रजिस्ट्री हो गई है, वो खजाना होर है
वो लाजवान है, वो किसी अखा इन्हां नाल देखिया नहीं जाता, इस जबान नाल बोलिया नहीं जाता। महात्मा बुद्ध नू लोगों ने कहा और आराम नाल बैठे सी, लोगों ने कहा कि कोई परमात्मा दे बाबत कोई गल सुनाओ, वो चुप करके बैठे रहे। कड़ी मुड़ी कहन ते लोगों ने कहा कि भाई मैं वो परमात्मा की आवाज़ नू सुन रहा, जो परमात्मा गलां कर रहा है सुना रहा है, मैं वो सुन रहा, तुहानू दसन वाली गल नहीं, मैं तुहानू की दसा, उहदा कोई बाहर निशाना नहीं, बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिहदे नाल मैं तुहानू दसा कि उहो जी है। ये तो मजाजी आशिक जिन्हां दे असली प्यार से उन्होंने भी किया, मजनू ने कहा लेला नू, लेला मैं तेरी तारीफ कादे नाल करा, किसी बाग दे विच काला फुल नहीं है बाग दे विच काला फुल भी नहीं, मैं तेरी तारीफ करा तो किस चीज़ के नाल करा। वो जिहड़ी अंदर साढ़े तो आ रही है, शब्द आ रहा है, असी उहदी तारीफ नहीं कर सकते, ना किसी नू असी दस सकते हैं। 12 साल के बाद वो खजाना महाराज तीसरी पातशाही नू मिलिया, पिछे दसिया कि सारे डिपार्टमेंट अलग अलग ने, जैसा जैसा कोई काम करता है ऐसी उस नू कुदरत वालों ड्यूटी मिल जाती है, जो दुनिया च करता दुनिया वाल दुनिया च मिल जाती है, परमारस करता परमारस मिलती है, जैसा जैसा भी कोई काम करता। महाराज तीसरी पातशाही ने अतुट भगती की, सिर्फ पानी नहीं लिया, साडे वांगर नहीं, असी थोड़ी बहुत सेवा करते हैं तो भजन करते ही नहीं, कहने असी सेवा जो की है भजन की लोड़ है, जे कोई माया की थोड़ी बहुत सेवा करता तो वह भी कहता मैं माया की सेवा की है भजन की जरूरत है। वो पानी भी लियांदे सी और रात के वक्त जागते सन, रात के वक्त जाग के किली नाल बाल बन देने खड़े रहना, साढ़े कोल कई रिपोर्टां आउंदियां जी जदों असी भजन बहने नींद आ जाती है, वह नींद का इलाज करते सी, किली नाल बाल बन देने, जदों भी नींद आएगी जिधर मैं डिगागा मैनू दर्द होएगी जाग आ जाएगी। जिसने जो कोई काम करना है वो नाल ही उहदा साधन भी रख लैंदा है। एक मुसलमान फकीर सी, उहने सर्दियां दे दिन अपनी एक हाथ नूं एक बाह नूं नंगे कर देना ते बाहर कर देना कपड़े चों कि ठंड लगेगी ते मैनूं जाग आ जाएगी मैं भजन करां। भजन करन वास्ते जिन्हें करना है वो बहुत सारे इलाज कर सकते हैं, बहुत सारे यतन हैगे ने, जे जिन नहीं करना उहदे वास्ते कोई नहीं। गुरु साहब जी बाणी च दस्या है महाराज तीसरी पातशाही ने, साडियां दुनिया दियां हालतां देख के तंदा तावत दिन गया रात गवाई सोए, ये किनू कहा? सानू आप दुनिया नू, असी दुनिया के धंधिया दिन गुजार देंदे हाँ और रात सौ के गुजार देंदे हाँ। असी ये नहीं कदी सोचिया अपने आप दे विच कीड़े मकोड़े भी सौंगे, पशु भी सौंगे, परिंदे भी सौंगे, सप ठूए भी सौ जाते हैं, असी भी उन्होंने नाल ही सौंगे, हूँ असी बड़े किस तरह बन सकते हैं? साढ़े बढ़न बड़े बन का तरीका की है? साढ़े च परमात्मा ने 5 तत् पाए, वो तत्तों के लिहाज नाल बहुत सारे साढ़े नालों घट ने, जे असी उन्होंने नाल ही रोटी पानी खा के सौंगे तो फिर असी उन्हों वर्गे ही बन गए, असी अपने आप नूं की कह सकते हैं? पर गुरु साहब ने जदों उन्होंने मुरशद मिलिया, जदों पूरी समझ आई, फिर उन्होंने दस्या है ऐस युग का तरों पढ़ो पाई पूरे सतगुर सोझी पाई, ऐस युग दे विच नाम की बड़ी जरूरत है, नाम जपन की जरूरत है,
पिछले युगों के विच जिहड़े साधन ही वो अज सानू काम नहीं देंदे। सतयुग विच सत, त्रेता विच तप, द्वापर पूजा उचार, कलयुग में नाम हुदार। कलयुग दे विच संतां महापुरखां ने नाम ही प्रधान रखिया है, इहदे बिना साडी कोई कल्याण नहीं हो सकती। सारे संत महापुरख जितने भी दुनिया च आए उन्हां नाम की शोभा कीती है, लेकिन असी बाणी सुनते हाँ, पढ़ते भी हाँ, लेकिन फिर भी असी रबड़ की तरह हो जाते। जिस तरह रबड़ नूं हजूर फरमाते होंदे सी शेक करो तो पता लगता है कि सूआ इत्थे शेक हैगा, जदों बंद कढ़ दिओ तो मुड़ के रबड़ मिल जाता। ये हालत मिंट की मिंट सानू सिर्फ पत्थर की तरह, जिदा पत्थर के बदल पैंदा तो मिंट की मिंट सलाब आउंदी है, फिर हवा नाल सुक जाता है। ये हालत साड़ी होंदी है, पर भाई कम तो कम है, कम तो करना ही पएगा। जिस काम के नाल सानू दुनिया के विच भी, अगर असी काम के नाल ही माया कमाते हाँ, काम नाल असी खेतीबाड़ी का फायदा लेंदे हाँ, काम के नाल असी सब्जियां भाजियां दो जो भी दुनिया के काम लेंदे हाँ, घर बैठे हाँ मंजी दे बैठे हाँ कुछ नहीं हो सकता। परमार्थ भी सानू जड़ा है, ये बंदगी दे बिना कुछ प्यार नहीं बनता। बंदगी दे बिना जड़ा प्यार है ये टुटन का खतरा ही खतरा है। किसी वेले भी मन इनू झटका ला सकता है, पर जड़ा बंदगी करता है ओनू नहीं लग सकता। कई बार दसिया कि निजामुद्दीन हौलिया 22 सिख उस दे मौत बार सन, उन्हां दी ट्राई करन वास्ते निजामुद्दीन हौलिए ने अपने सारे सिखां नूं कहा कि चलो अज शहर की सैर करिए। कुछ जिहड़े माण बड़ियाई वाले सी उन्हां दे ख्याल च आया कि पीर साहब जी कदे गए ही नहीं बाजार, अज पीर साहब नूं की चा चढ़िया। शर्मक शर्मी तुर पए, एक कंजरां दा बाजार आया उत्थे खड़े हो गए। निजामुद्दीन हौलिए ने कहा भाई तुसीं इत्थे बैठो, मैनू थोड़ा जिहा काम है, मैं उपर करके आ जांदा। चला गए, जाके कंजरी नूं कहा बेटी मैनू एक कमरा चाहिए अलग, मैं रात रहना, नाल अपने नौकर नूं भेज दो चार फुलके लावे कौला दाल दा, ते दो बोतलां रंगदार शरबत दियां लावे। उस तरह किया, जदों बोतलां देखियां उन्हां प्रेमियों ने तो बारों बारी किसक गए सारे, एक मीर खिसरो रहा। मीर खिसरो कला ही रहा जिहदे विच प्यार सी और विश्वास सी मुरशद दा। जदों दूसरे दिन वापस आए थले तो कोई भी बंदा नहीं लभा। पुछया मीर खिसरो नूं कि कित्थे गए बाकी, कहन लगे जी पता नहीं किधर गए है, बारों बारी चला गया है। तू क्यों नहीं गया? जा हजरत मैनू कोई जगह नहीं, मैं कित्थे जांदा, मैनू तुहाडे चरणा दे बिना कोई जगह नहीं। देखो केड्डा वड्डा हमत्यान है। और बाईयां चों एक पास होया, उस वक्त गल ना ला लिया, दोनों दियां कबरां कट्ठियां ने, कबरां की पूजा हो रही, दोनों की पूजा हो रही। जो कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, सेवक स्वामी एक मत, ये मत में मत मिल जाए, ये ख्यालात मिल जाए तो कोई फर्क नहीं रहता। विश्वास विश्वास होता है। एक परिंदे की हजूर कई बार मिसाल देते होंगे सी, किसी वरेशे नूं अग लगी, उहदे उत्ते परिंदा बैठा सी, कोई कोलों दी लंघिया, उसने देखिया तो परिंदे नूं कहा तू कितना मूर्ख है, वरेशे नूं अग लगी है तू उड़दा क्यों नहीं, आग लगी है वृक्ष को चढ़ चढ़ पैंदे पात,
उड़दा क्यों नहीं पंछिया, फंग तुम्हारे पास, तू क्यों नहीं उड़दा। अगू पंछी की जवाब देंदा है, मिठे खादे मेवे इस ब्रिश दे, बिठू परे पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं, सड़ना इसके पास। आज इसनू मुश्किल हुई है तो की मैं इनू छड़ के चले जावा, मैं इसके मिठे मेवे खादे है, ये पत्तियां मैं बिठा नाल भरिया, इन्हें मैंने कुछ नहीं किया। आज ये तो मुश्किल आई, क्या मैं इनू छड़ के चले जावा, मैं ये नाल सड़ांगा। एक परिंदे की मिसाल है, देखो कितना विश्वास उसका उस ब्रिश के उत्ते, कितना प्यार सी उसका। असी अपने आप में ये मिसाल लैके अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप के दिल के भाव दूर करने है और विश्वास रखना है। विश्वास के नाल असी जो भी महापुरखों की सिक्ख्या होए उस सिक्ख्या से चलन की कोशिश करनी है, तद ही साडा प्यार जिहड़ा है पक्का तो मजबूत रहेगा। नहीं तो यह प्यार कुछ नहीं, प्यार टुटन का मिनटां च ही खतरा ही खतरा है, किसी वेले भी सानू मन जिहड़ा ठेडा मार सकता है। इस वास्ते जिन्हां दा दरबार है हजूर कहिंदे हुंदे सी कि भाई बंदगी दे बिना कुछ नहीं जे बनना, भजन दे बिना कोई अपने चाचे नूं नहीं छड़ा सकता, किसी नूं किन छड़ाना है। बंदगी की बहुत जरूरत है। कोई भी लड़का स्कूल च पढ़ता है, एक अद्धा लफज जो गलत होता है तो मास्टर उसकी मदद कर देता है, तो जे सारा ही निल हो तो फिर मास्टर की करेगा। सतसंग सतसंग सतगुर क्या करे, जो सीखण माए चूक, अंधे एक ना लगी ज्यों बांस बजाई फूक। उत्थे सतगुर की करेगा तो सतसंग की करेगा। जे एक लफज भी साड़ा कन्ना च नहीं पैना उते की करेगा कोई। इस वास्ते पहली तुक दे विच गुरु साहब जी फरमा रहे है कि भगत खजाना भगतन को दिया। वो खजाना केड़ा है जिहड़ा साडे अंदर शब्द आ रहा है, जिहड़ी साडे अंदर वो तुण आ रही है। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे है वो एक बहुत बड़ा खजाना है। दुनिया के खजाने मुक जाते हैं लेकिन वो नहीं मुकता, वो खजाना दिनों दिन बढ़ता जाता है। हजूर कई बार फरमाते होंगे, एक छोटा जी छोटी जी मिसाल देंदे है, एक बोर्ड का दरख्त जड़ा होंदा उसका बी कितना क होंदा है, वो नाम का इहदे तो भी बरीक है। बोर्ड दे कितना क बी होंदा उसका, जदों जमीन विच उगदा उसनूं जमीन का रस मिलता जाता है, वो बढ़ता जाता है, केड्डा वड्डा दरख्त हो जाता है। कितने उस दे नाल उहदे फल पैंदे है, हजारां जीव उस तों गुजारा करदे है, वो कटदा नहीं, वो बढ़ता जाता है। इस तरह नाम का बीज जिहड़ा है वो लाजबान है, वो साडे अंदर है, वो किसी जबान च नहीं बोलिया जाता, वो किसी नूं दस्या नहीं जाता, वो कुदरती ही बढ़ता जाता है, वो ना घट सकता है ना कोई उन्हों घटा सकता है। घटाने वास्ते बहुत सारियां पिछलिया जवानिया दे विच जितने भी संत महापुरख आए उसनों घटाने वास्ते फकीरां दे नाल कितने डंगे किए हैं, की कुछ किया है। शेख तकी ने सिकंदर पातशाह दे वक्त कबीर साहब दे नाल की किया है, देगां च बोलिया, चिखा च जलाए, गंगा दे विच बन के सुटिया, हाथी अगे सुटिया, खूहां च सुटे, कई कुछ किया, लेकिन वो जिहड़ी महिमा सच्ची सी वो गायब नहीं हो सकी। आखिर उन्हां नूं उन्हां दे चरनी डिगना पिया, आखिर उन्हां दे चरनी डिगना पिया ते मनना पिया जो कुछ वह कहिंदे सी। इस वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है, वो भगती का खजाना जिहड़ा वह गायब है,
वो गोज है, वो किसी नू नज़र नहीं आएगा। उहदे खजाने दे लैण वास्ते जो मुरशद दसे, दुख आए, सुख आए, गरीबी आए, मीरी आए, ये नहीं कि बंदगी कर दें किसी नू घोड़ा ही मिल जाना हैगा जां उस नू कोई कार ही मिल जानी है, पता नहीं केड़ी केड़ियां औकड़ां आउणियां ने, पता नहीं भुखे रहना, नंगे रहना, पता नहीं किसी ने की कहना तो किसी ने की नहीं कहना। ये सब कुछ सहार के उस नू बर्दाश्त करना पएगा सब कुछ, तो उस मालिक का आसरा रख के वो बंदगी करे। वो मालिक उपर देखता है, वो न्याय करेगा, हर एक का न्याय करेगा। जैसी साड़ी भावना होगी ऐसा सानू फल देगा। गुरु साहब जी पहली तुक विच ही फैसला कर रहे हैं कि भगत खजाना भगतन को दिया। महाराज तीसरी पातशाही ने भगती की और जिन्हां दे दरबार विच असी बैठे हैं उन्हां दी तारीफ है। उन्हां 40 साल लगातार एक टक भगती की, कोई खाण पीण की परवाह नहीं रखी, किसी चीज़ की परवाह नहीं रखी। जदों वो भगती बनी 3 दिन ते 3 रातां उन्हां दी समाधि लगी रही, इतिहास है। कौन इस नूं गैब करेगा? हजूर महाराज बाबा सोहन सिंह ने गुफा दे विच जाके थापी दित्ती है कि एक गुरमुख निकलिया। जिहड़े उन्हां दे नाल साथी गए सी वो रोंदे सी कि गुजर गए है, सानू छड गए है। गुरु साहब ने कहा नहीं, ये सतपुरश के पास बैठे है, उन्हां दी मौज होएगी तो भेज देंगे। मरे नहीं, जिंदे है, इधरों मरे है साडे वल्लों, उधरों जिंदे सन। उन्होंने भगती की, उन्होंने खजाना मिलया। असी देखिया सदार दे पहला जिहड़ी साड़ी संगत जिहदे कोल सैकल नहीं सी उहदे कोल अज कारां ने, जिहदियां कखां दियां कुलियां सी उहदियां कोठियां ने, और सब कुछ उस खजाने ने कीता जिहड़ा उहनां कमाया। उह खजाना मुक नहीं सकदा, उहनां नूं भगती दा खजाना मिलिया। असी तो आम गल्लां ही करनियां उहनां दियां, असी उन्हां दे इतिहास जां उन्हां दी गल्लां सुनिया सुनाइया, अजे उन्हां दी पूरी तारीफ भी असी नहीं कर सकते। जो कुछ उन्हां ने कीता है असी उन्हां दी पूरी तारीफ भी नहीं कर सकते। जो बाणी च गुरु साहब जी फरमा रहे हैं ठीक फरमा रहे। हाँ जी, भगत खजाना भगतन को दिया, तन सच सोए, अखोट नाम तन कदे न खुटे नाही, किने न कीमत होए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, वो तन जेड़ा है वो कदी ना खुटदा नहीं, कदी खत्म नहीं हुंदा, वो तन दिनों दिन वधदा जांदा। वो सच्चा तन है, वो झूठा तन नहीं। ऐ दुनिया दे तन नूं चोर लुट लैंदे है, इस तरह बर्बाद हो जांदा है, लेकिन वो तन जेड़ा वो मुकदा नहीं। जितना मर्जी खाओ खटो, जो मर्जी जिथे लाओ, वो कदी मुक नहीं सकता। वो सच्चा तन, जिन्हां फकीरां ने उस सच्चे तन नूं कमाया है, वो रहिंदी दुनिया तक रहिंदा है। आज भी तुसीं जिहड़े पिछे फकीर हो गए है, जिन्हां जिन्हां ने वो सच्चा तन कमाया है, उन्हां दी महिमा अज भी हो रही है। और अज नहीं, जां तक चंद्रमा और सूरज रहेगा, उन्हां दी महिमा होंदी रहेगी, क्योंकि उन्हां सच्चे तन नूं कमाया। हाँ जी,
अखोट नाम तन कदे न खुटे नाही, कदे न कीमत होए। नाम तन मुख उजले होए, हर पाया सच सोए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, वो नाम धन जेड़ा है इस दुनिया की कई बार मिसाल देंदे होंदे सी कि भाई जिसने रोटी खाधी है तुसी उहदे वल देखो, जिसने नहीं खाधी उहदे वल देखो, उहदे अंदर कितनी खुशी होवेगी। जिसने नहीं खाधी वह मुजराया होएगा। जिहदे पास दुनिया का धन है उहनू देखो कितना खुश होंदा है, जिहदे पास नहीं होंदा वह कितना होंदा है। जिहदे पास वो नाम धन होएगा, गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि वह अपने आप ही नजर आएगा, दसण की जरूरत नहीं। वो धन जिहड़ा सच्चा है, जिहदे अंदर हमेशा ही खुशी रहती है। कई बार हजूर फुल की मिसाल देंदे होंदे सी कि बागां दे फुल खिड़े होंदे है, वो सानू सारियां नू खुश करदे है। बेशक उन्हां दी मर्याद बहुत घट है, लेकिन हर बंदे दे मन विच पाउंदे है, हर बंदे दे अंदर वो खुशी पैदा करदे है। इस तरह संत महापुरख जिन्होंने नाम जपया जा जपणगे, उन्हां दे अंदर वो परमात्मा उस फुल की तरह खुशी पैदा करेगा। वो नाम जिहड़ा है अनुर खुट जिहड़ा पनार है, नाम है उन्हां दे अंदर, वो मालिक उन्हां ते किरपा करेगा। हाँ जी, नाम तन मुख उजले होए, हर पाया सच सोए। मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, ऐ मन मेरे उस हर नूं पाण वास्ते सानू किसे होर चीज़ की जरूरत नहीं, ना ही असी पा सकते हैं, वो शब्द की कमाई नाल पाया जाएगा। ज्यों ज्यों सिख शब्द की कमाई करता है, ये अंदरों ये दुश्मन जेड़े है वह कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ए मन पिंगल पिया पी हरी नाम पारा, ए मन साडा जेड़ा साडे अंदर सानू एक सेकेंड भी ध्यान विच नहीं लैन दिंदा, कदी किसे पासे फेरदा कदी किसे पासे फेरदा है, ये पिंगला हो जाता है। पारा किसनू क्या है? पारा किसी इंसान नूं दे दिओ, वह इंसान भी उहदे हथ पैर जुड़ जाते हैं। बिखसे अमृत पिया जब राम नाम लिब लगी, जदों उस परमात्मा दे नाल लिब लग जाती है भाई, ये बिख जिहड़ा इस तरह बदल जाती है, जिस तरह किसी अच्छे पुरश दे नाल तुसी संगत करो तो तुसी अच्छे बन जाते हो। चाहे तुसी बेशक माड़े हो, जब तुसी संगत करोगे उन्हां दी सोबत नाल, उन्हां दी देखभाल नाल तुसी भी अच्छे बन जाओगे। कीट न जाने प्रिंग को गुर कर ले आप समान, जिस तरह एक कीट प्रिंगी एक मिट्टी के खखरे विच रहिंदा है, वह मूँह च पा के एक लुड़े ने चुक के लै आउंदे है, वो अपनी उस खुड विच रख देंदा, लेकिन उसनू पता नहीं कि मेरे नाल की होना है। अपनी तमज्जो नाल प्यार नाल उन्हों बोली भी सिखा देंदा है और उहदे फंग भी लग जांदे आ, उड़नों तैयार हो जांदा जिहड़ा कि उड़ नहीं सकदा। इस तरह गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि सिख नूं नहीं पता कि मेरे नाल की होना है। अगर
उन्होंने कहने मुताबक चलता रहे तो एक दिन अपने समान कर लेगा, अपने वर्गा कर लेगा। टीचर लड़के नू अपने तो भी उपर ले जाता जे लड़का उन्होंने कहने मुताबक चले तो एक दिन लड़का भी टीचर लग सकता। अगर असी उन्होंने कहने मुताबक ना चलेंगे तो साढ़े कुछ भी नहीं बन सकता, फिर असी कुछ भी नहीं हो सकते। इस तरह गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है भाई, वो नाम जड़ा नाम है उदियां बड़ियां बरकतां ने, नाम की तारीफ नहीं हो सकती। कई बार मैं अगे भी ये साखी सुनाई है, जिसनों ध्रुव भगत कहा जाता है, वो अपने माता की गोद विच पिता के गोद विच एक दिन बैठा सी, उहदी मतरेई माता ने बाँह फड़ के बाहर कढ़ दिता कि तेरा कोई हक नहीं, तू इत्थे बैठ नहीं सकदा। रोंदा रोंदा अपनी माता कोल चला गया, जाके कहन लगा माता नूं, माता तू इन्हां दी नौकरानी है कि जां राणी है? कहन लगी की गल है? कहंदे मैनू मतरेई माता ने बाँह फड़ के बाहर कढ़ दिता कि तू पिता दे पास नहीं बैठ सकदा। माता ने सहब सवा किया, बेटा इन्हां गल्लां नूं लैण वास्ते बड़ी तपस्या की बड़े अच्छे कर्मां की जरूरत है। छोटा बच्चा सी, दिल च गल बैठ गई, छोटी उम्र दे विच ही घरों बाहर निकल तुरिया कि चलो किसी जंगल दे विच जाके तपस्या करते हैं। इको एक लड़का सी, शहर दे विच रौला पै गया, पातशाह ने तमाम वजीर दवान ते होर सारे लोगों नू कह दिता कि कोई ध्रुव नू लभो। सारे अगे पिछे दौड़ भज पै गई, ध्रुव लभे ना, वह जंगल चला गया। फिर राजे ने कहा कि कोई लभ के लियाओ, मैं अद्धा राज दे देंदा हाँ। देखो अजे ईश्वर की बंदगी वास्ते गए है तो अद्धा राज मिलना शुरू हो गया। किसी ने जाके जंगल विच लभा, जाके कहा ध्रुव नू कि तेरा पिता तेनू अद्धा राज देंदा है ते तू वापस चल। तो ध्रुव ने सोचा कि मैं ओहो ही हाँ जिन्हों अपने पास बैन नहीं सी देंदे, आज मैं ईश्वर के नाम से जा रहा तपस्या करन जा रहा समालक के नाम से, तो मैनू अद्धा राज मिलन लगा, जे मैं कीता तो कुछ भी नहीं, ये नाम दे विच कुछ है। कहिंदा मैं नहीं जाना, चला गया जंगल च। पर यह गल जारी रही कि ध्रुव नू लभो। आखिर इतों तक पातशाह ने कह दिता कि मैं सारा ही राज दे दिंदा हाँ ध्रुव नू, कोई लभ के लियाओ। किसी ने तलाश करदिया करदिया बड़ी दूर जाके किसी जंगल च लभा। बड़ी देर दे बाद ध्रुव नू कहा कि तेरा पिता हुण तैनू सारा ही राज देंदा है, तू वापस अपने राज महलों च चल। ध्रुव वापस आया, 36,000 साल उस समय ध्रुव ने राज किया। देखो उस नाम दे विच कितनी बरकत है, जिन्हों लागे नहीं सी बैन देंदे उसनू सारा राज दे दिता। इस वास्ते कि सारे संत महापुरख जितने भी दुनिया च आए है उन्होंने नाम का प्रचार किया, यही किया कि भाई जो भी तुसी गलत काम करते हो उन्होंने छड़ दो और ईश्वर की भगति करो, नाम जपो, नाम के नाल साड़ी कल्याण होनी है। ये 84 का चक्कर साड़ा नाम के नाल ही मिटना है, अगर असी होर कर्म करांगे तो 84 चो निकल नहीं सकते। बेशक सानू बड़े अच्छे जन्म मिल जाएंगे, कई ऐसे जन्म ने जिहड़े कुत्तियां दे जन्म आ गए, जिहड़े कारां ते तुरी फिरदे आ, खुराकां चंगीआं मिलदियां, लेकिन है तो कुत्ता ही है। पशुआं दे जन्म ने जिन्हां नूं खुराकां भी अच्छियां मिलदियां, कच्छा आदर माण हुंदा है, पर है तो पशु है ना, 84 चो तो नहीं निकल सकिया। इस वास्ते संत कहिंदे आ कि 84 नूं निकलण वास्ते
सानू नाम की जरूरत है, ईश्वर की भगती की जरूरत है। सारे संत महापुरख जितने भी दुनिया से आए हैं उन्हें यही प्रचार किया है। हाँ जी, मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, बिन शब्द जग भुलदा फेरदा, दरगाह मिले सजाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, बगैर शब्द दे सब जग दसिया उन्होंने भुलदा फिरदा, दरगाह मिले सजा। संतां दे विच इह बड़ी पालसी है कि वह किसी का नाँ नहीं लैंदे। असीं जदों भी गल करांगे कोई किसी का नाँ लैके गल करांगे, संत मुश्तरका गल करते हैं, वो सारे नूं समझाउंदे आ, कहिंदे भी सारे उन्हें, मगर किसी का नाँ नहीं लैंदे। सारे जगत नूं कहा है कि सारे जगत भुलदा फिरदा है और दरगाह विच सजा मिलेगी बगैर नाम दे। हाँ जी, बिन शब्द जग भुलदा फेरदा, दरगाह मिले सजाए। इस देही अंदर पांच चोर बसे, काम क्रोध मोलो अहंकारा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, इस देही के अंदर पांच चोर वसदे, वो चोर हर वक्त साड़ी माया नूं लुट रहे, सानू कोई समझ नहीं आ रही। कदी क्रोध का टाइम लग जाता है, कदी मोह का लग जाता है। इस तरह पंजे चोर जड़े है वो साढ़े अंदर सन मार रहे, वो साढ़े उस टाइम नूं लुट रहे है, उस चीज़ नूं लुट रहे है, वो अमृत खा रहे है जड़ा कि साड़ी सुरत नूं मिलना है। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाया है, जो जो चोर भजन के प्राणी सौ सौ दुख सहे। स्वामी जी महाराज भी जो जो करके फरमाया, किसी का नाँ नहीं लिया। ये चोरी जड़ी है भजन दी, ये कदी घाटा पूरा नहीं हो सकता। सारे घाटे पूरे हो सकते, दुनिया की चोरी कोई करेगा फिर भी वो घर सब कुछ आ जाता है, लेकिन भजन की चोरी जड़ी है ये साड़ा घाटा पूरा नहीं हो सकता। इहदे बारे संत कहिंदे है कि भाई जल्दी तो जल्दी अपना टाइम जड़ा है समझा लो, मनुष्य जन्म आया है, इस मनुष्य जन्म का टाइम जड़ा है यू गलत ना करो, देखो एवें ना लंघ जाए, एवें चला गया फिर मुड़ के तो मिलना नहीं। जल्दी तो जल्दी इस समय में संभाल लो, सब तो पहला दुख किहड़े आउणगे, आलस नींद सतावे तैन, सब तो पहला सानू की होंदा है, किहड़ा दुख आउंदा है, जिन्हां नूं असीं समझदे कुछ नहीं। आलस आ जाएगा नींद आ जाएगी, आलस आ जाएगा सौ जाएगा, जे जाग आए भी इस नूं फिर भी कहिंदा कोई नहीं अज बड़ी रात है, फिर असीं भजन उठ के भजन करांगे, फिर नींद आ जाती है, नींद आ गई दिन चढ़ गया, बंदगी का टाइम लंघ गया। वो टाइम लंघ गया, जिहड़ा टाइम लंघ गया वह मुड़ के नहीं आउंदा, जेड़े पानी अज लंघ जाने पाली आ मुड़ नहीं आने भलके, जेड़ा सुफन जवान चू निकल गया मुड़ के आमदा बिच जवान नहीं, जेड़ा तीर कमान चू लंघ गया मुड़ के आमदा बिच कमान नहीं। जेड़े बुतों उत्ते मिट्टी पै जानी है भाई, वह साड़े च बहना नहीं रल के, वो टाइम लंघ गया चला गया। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाते हैं कि 24,000 श्वास सानू वह परमात्मा दे रहा है, साडा फर्ज है कि एक एक श्वास जड़ा बड़ा कीमती है, इसनों असी जाया ना गवाईए।
कबीर साहब जी महाराज फरमाते, कहता हूँ क्या कहूँ क्या बजाऊँ ढोल, स्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। तुसी विचार करो एक श्वास की कीमत, यानी त्रिलोकी भी दे दईए नहीं वापस मिल सकते। तो साढ़े 24,000 श्वास जड़ा है बिला वजह ही चला जाते, बैर विरोध बेच, निंदा स्तुति बेच, और कई कमां दे बेच साढ़े श्वास जा रहे है। और संत कहते सास ग्रास ना बिसरे, ऐ पुरुष तैनु खांदियां पींदियां सौंदियां बहिंदियां भी बिसरना नहीं चाहिए, उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए। असी बजुर्गों दियां कहानियां पिछलियां सुनिया, पिछले बजुर्ग जब रात के समय सौंदे होंदे सी परमात्मा दे अगे फरियाद करनी है, परमात्मा सब का भला कर किसे पिछे साडा भी करें। अज असी ना सौंदे हां ना जागदे हां, असी अपना भी भला नहीं मंगते, असी किसी का की मंगना है, अपना भी नहीं भला असी मंगते। आत्मघाती महापापी, असी अपने ही आत्मा का आप घात कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म का नतीजा जेड़ा बुराई है। हाँ जी, इस देही अंदर पंच चोर बसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, इहदे अंदर लोटी हो रही है, इहदी खुराक नू काम क्रोध खा रहे है, लेकिन इहनू समझ ही नहीं आ रही। ये दिनों दिन डाउन हो रहा, लेकिन इहदी खुराक नू वो खा रहे है। असी पुकार भी करते हैं, साडी पुकार कौन सुनेगा, दुनिया च कौन सुन सकता है, साडी पुकार नू भी कोई महापुरख ही सुनगे, और कोई नहीं सुन सकता, और कोई एडा हमदर्दी नहीं साडा जिहड़ा साडी पुकार सुनेगा। और तो स्वार्थ दे संगीन है सभी, जिहदा स्वार्थ हुंदा रहे वह प्रेमी है, जिहदा स्वार्थ नहीं होया दुश्मन बन जाता है। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी, अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा, अंधा जगत अंध बरतारा, बाज गुरु गवारा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे, अंधा जगत अंधा वरतारा, बाज गुरु डुबा संसार, कि असी अन्ने हाँ, अन्ने साढ़े काम ने, सानू कोई सूझ बूझ नहीं है, और बगैर मुर्शद दे सानू कोई समझ नहीं आती असी की करना चाहिए। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास नू जदों समझ आई, उस वक्त उन्हां बाणी च फरमाया है, ऐस युग का धर्म पढ़ो भाई, पूरे सतगुर सोझी पाई। गुरु साहब ने फरमाया कि ऐस युग का धर्म पढ़ो, कि ऐस युग विच की करना चाहिए, सानू कित्थों समझ आई है। पूरे महापुरखों ने सानू समझाया है कि युग के मुताबिक काम करो, अगर युग के मुताबिक तुसी काम नहीं करोगे तो तुहाड़ा काम किसी भी काम नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं तुहानू होएगा। जे असी युग के मुताबिक काम करांगे बेमौसमे बीज बीजन का कोई फायदा ही नहीं। जदों असी बेमौसमे बीज बीजते हाँ की सानू फायदा मिलेगा। हर एक जिमीदार जिहड़ा मौसम के बीज बीजदा और मौसम के बीज बीज के वह फायदा लैंदा, कोई भी दुनिया के विच तुसी बेमौसमे बीज बीजो की फायदा लओगे। असी भी मौसम का काम करना चाहिए, कि इस युग में की काम करना चाहिए। असी पुरातन युगों के काम जो
लखां बरे साड़ियाँ उमरां सियाँ वो अज असी काम करांगे की फायदा लवांगे। काल भगवान ने एक 100 साल की उम्र रखी है, 100 साल उम्र साड़ी रखी है, इतने 100 साल दे विच असी की कर सकते हैं। क्या असी एक लखां बरियां दा काम जिहड़ा वह असी कामयाब हो सकते हैं? ये संतां नूं पता है सारा दा असी हुमे दे विच काम करते हैं, मेरी मेरी करी जा रहे हैं, लेकिन इत्थे ना मेरी ना तेरी, ये किसी दे नाल कुछ नहीं जाने। सुथरे फकीर दा सुथरिया फकीर खाना बना रहा सी, एक आटे दा किणका बाहर पै गया कि चिड़ी आई, उस चिड़ी ने मूँह विच पाया, उत्तों बाज पिया, वह चुक के लै गया। उस वक्त सुथरे फकीर ने कहा, अख फड़कना ना मिली मूँह विच रिया गरा, लख लानत सुथरिया तेरा जे दमदा करें बसा। इत्थे दसो मेरी मेरी की करांगे असीं? अख फड़कना ना मिली मूँह विच रिया गरा, लख लानत तेरा सुथरिया जे दमदा करें बसा। एक एक जद भी वो एक रोटी पकाउंदा है वो खा के दूजी पकाउंदा है, फिर सुथरा असली सुथरा फकीर जिहड़ा जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। हुमे दे विच असी मेरी मेरी करते हाँ, इत्थे कुछ नहीं है, इत्थे दा इत्थे ही रह जांदा सब कुछ। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं कि असी दुनिया में आए थे बहुत दुनिया का खाएंगे माल, ज्यों का त्यों ही रह गया पकड़ लै गया काल। जब दुनिया में आए असी सोचा दुनिया का माल बहुत सारा असी खावे, लेकिन इत्थे दा इत्थे ही रह गया और काल पकड़ के लै गया। कोई समझ नहीं आई की करना है, बगैर मुरशद दे सानू कोई समझ नहीं आउंदी। मुरशद कहिंदा भाई टाइम ना गवा अपना, मेरी मेरी ना कर, जो तेरी हैगा तेरी है, जो तेरे पास आना तेरे पास ही आना, तेरी उस चीज़ नू कोई नहीं लै सकता जिदे ते तेरी मोहर लगी है। हाँ जी, हो मैं मेरा कर कर विगोते ए चलना चल दयाल, गुरमुख होवे सो नाम त्यावे, सदा हर नाम समाल। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि भाई गुरमुख होवे वो नाम जपे और नाम नू संभालेगा। असी देखना है कि नाम कोई सोने की डली नहीं कि जिहड़ी असी ट्रैंकां दे विच पा लैनी है, नाम एक सत है। जिस तरह तुसी किसे बोतल दा तक ढकना उत्तों चुक दिओ, उहदे विचों सत निकल जाएगा, बोतल खाली रह जाएगी। किधर गया है पता नहीं, किधर गया है, किहड़े पासे गया है। ये तो महाराज नौवीं पातशाही ने साडी जिंदगी की हालत दसी है। जिस तरह घड़े नू फुट होंदा है पानी दा भरिया होंदा है, आस्ते आस्ते पानी निकल जांदा है, खाली घड़ा रह जांदा है। ये हालत साड़ी जिंदगी आस्ते आस्ते साड़े श्वासां दी पूंजी मुक जांदी है और असी खाली खोखा रह जांदे हां, एक दिन उस समा आ जांदा है। इस वास्ते गुरु साहब जी जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि सानू इस मनुष्य जन्म दे समय नू गवाना नहीं चाहिदा, जल्दी तो जल्दी असी मुरशद दे कहने मुताबक कुछ ना कुछ टाइम अपना परमार्थ देना चाहिए है, और जेड़ा सानू इत्थे भी काम देगा और दरगाह विच भी काम देगा। हाँ जी, गुरमुख होवे सो नाम त्यावे, सदा हर नाम समाल। सच्ची बाणी हर गुण गावे, नदरी नदर निहाल। वो सच्ची बाणी साढ़े अंदर है जेड़ी 24 घंटे आ रही है,
कबीर साहब ने उसे नू ही कीर्तन किया, उसे नू बाणी किया, उसे नू नाम किया कि जेड़े साडे अंदर वह धुन आ रही है, जेड़े अंदर साडे वह गायब शब्द आ रहा है जिसका कोई नमूना नहीं, जिसकी कोई तारीफ असी बाहर नहीं कर सकते और ना असी किसी दस सकते हैं। उस नू सच के अज भी है, पहला भी सी, फिर भी उसे ने रहना और वह 24 घंटे आ रहा है, ना वो कोई उन्होंने बंद कर सकता है, ना उसनों कोई चला सकता है। वो गुरमुख जेड़े हमेशा उस सच्ची बाणी का कीर्तन करते हैं, उसकी सलाह करते हैं, उसकी ही शोभा करते हैं। हाँ जी, सच्ची बाणी हर गुण गावे, नदरी नदर निहाल, सत गुर ज्ञान सदा घट चानन, अमर सिर बादशाह। गुरु साहब जी सतगुर की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ज्ञान जेड़ा होया, चानन जेड़ी हुई है वो सतगुर के जरिए हुई और दुनिया के नाल रले मिले काम किए पहली उम्र के विच, लेकिन कोई पता नहीं लगा। और सतगुर की तारीफ कर रहे हैं कि सतगुर के ज्ञान के नाल, उन्हां दी सिक्ख्या दे नाल साडे अंदर चानन हो गया, सानू समझ आ गई है कि असी की करना चाहिए। हाँ जी, सतगुर ज्ञान सदा घट चानन, अमर सिर बादशाह। अन दिन भगत करे दिन राती, राम नाम सच ला। गुरु साहब जी एक दिन का मसला नहीं, अन दिन दस रहे हैं। जेड़े गुरमुख ने अन दिन हर वक्त हर घड़ी वो भगती करते हैं, वो ये नहीं कि साढ़े बंगर असी एक महीने ज कद एक बारी बैठ गए ज दो बारी बैठ गए, तो जंज ही 6 महीने लंघ जाते हैं पता ही नहीं सानू। नहीं, गुरमुख जेड़े है हर वक्त ही उन्होंने ध्यान जड़ा हजूर कई बार पनियारी की मिसाल देंदे होंगे सी कि बीबियां पानी भरन वास्ते जांदियां खूहां ते, एक बीबी राह मिलती है उहदे घड़ा कुछड़ भी है और सिर ते भी हैगा घड़ा भरिया पानी का, उहदे नाल गल्लां बातां भी करदी है, हल्दी चुल्दी भी है, पर घड़ा जिहड़ा उह डिगदा नहीं क्योंकि उहदी बिरती घड़े दे विच है। साडी बिरती ने कम करना है, जे साडी बिरती उस नाम वल नहीं रहिंदी तो साढ़े पल्ले कुछ भी नहीं है। वो बिरती घड़े विच रहिंदी है तो घड़ा डिगदा नहीं। इस तरह साड़ी बिरती जिहड़ी है सतगुर के चरणों विच रहनी चाहिए है, जिथों सानू अच्छी सिक्ख्या मिलती है और दिन भी रात हर वक्त दस्या है कि जेडे गुरमुख ने हर वक्त ही दिन रात वो अपनी बिरती नू अपने ध्यान नू चरणों विच रखते है। हाँ जी, अन दिन भगत करे दिन राती, राम नाम सच ला, नानक राम नाम निस्तारा, शब्द रते हर पाहा। गुरु नानक देव जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि नाम रते ओ ला लैंदे आ गुरमुख, नाम नाल रते जांदे है, दिन रात वो मेहनत करदे है, वो ला लैंदे है, असी इत्थे ला गवा रहे हैं। असी कदी सोचिया कि साडा मनुष्य जन्म जिहड़ा है ये कितना कीमती हैगा, केड़ा वड्डा साडा मनुष्य जन्म है, सब जूना का अवसर है। कदी इहदे बारे सोचिया असी कि साडा जिहड़ा जन्म है असी इतना उच्चा काम करिए,
बाणी च गुरु साहब जी फरमाते हैं कौन बड़ा माया बढ़ियाई सो बड़ा जिस हर लिब लाई। भाई जिसने हर लिब लाई है परमात्मा की भगती की है वह बड़ा है, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है। असी कभी भी नहीं सोचा कि साडा मनुष्य जन्म परमात्मा ने जो सानू बख्शिश की है और ये आखिरी मुक्ति का रस्ता है, आखिरी पौड़ी है, चाहे असी अगे चले जाइए चाहे पिछे आ जाइए। अगर असी अच्छे कर्म करांगे तो असी अपने मालक दे देश चले जावांगे। बारों बार जो 84 विच असी आउंदे हाँ साड़ी 84 खत्म हो जाएगी और असी अपने मालक दे देश चले जावांगे। कह दो समुंदर दी बूंद समुंदर चला गई, वह समुंदर बन जाती है, वह बूंद नहीं रहती। आत्मा परमात्मा के पास चला गई, वह भी परमात्मा बन गई। साडा यह फर्ज है कि असी इस मनुष्य जन्म का अधिकार जड़े है वो मनुष्य जन्म के जोड़े कर्म ने वो असी करिए। मनुष्य जन्म के कर्म नहीं जो असी कर रहे हैं, मनुष्य जन्म का कर्म है ईश्वर की भगती करनी, नेक पाक काम करने, एक दूसरे का तरस करना, किसी की मानत नहीं रखनी, किसी नाल कोई लाई झगड़ा नहीं करना, किसी की दर्द करना, किसी नू कुछ उहदा फायदा देना किसी नू, ये मनुष्य जन्म का कर्म नहीं। कि बाणी च गुरु साहब जी फरमाते हैं खुश खुश लहिंदा बस्त पराई देखे सुने तेरे नाल खुदाई। कि दूसरे दियां जगह दूसरे दियां जायदादां ते असी हमले करके ते गरीब नू या किसे होर नू असी उहनू सताईए, उहदियां जायदादां ते असी कब्जा करिए जां उस नू दुखी करिए, परमात्मा देखदा साडे अंदर। कदी ना कदी उस दा समां आ जांदा है, कर्म कीता हर एक नू भुगतना पैंदा है। कई बार दस्या कि जदों बाली सकरीब नू मार के सुट आउंदा सी बाहर, भरा सी उसका लड़ाई करते सन, मार के सुट देना, कई दिन उसनू होश नहीं आनी। श्री रामचंद्र महाराज जी गए, देखिया उन्हें सकरीब नू कहा तू उठ, उठ के कूक मार, अभी तेरी मदद करांगे। कहन लगा मेरी मदद नहीं तुसी करनी, उन्हें मैनू फिर मारना है। कहन लगे नहीं असी तेरी जरूर मदद करांगे। जब कूक मारी बाली आ गया, युद्ध लग पिया, श्री रामचंद्र महाराज जी दरख्त दे ओले होके तीर मारिया तो बाली ने कहा कि कीता ही, जे तू यह काम करना ही तो सामने होके करना ही, चोरी क्यों किया है, पर या तेरे नाल भी इदा ही होएगा। जब तू द्वापर युग आया, द्वापर युग के विच कृष्ण अवतार विच आ गए तो बाली शिकारी बन गया। जंगल विच बैठे ही पद्मासन उन्हां दा चमकदा सी, बाली ने सोचिया शिकारी ने किसे जानवर की अख है, तीर मारिया पैर नूं बज्जा। राम की आवाज़ आई, दौड़ के जाके देखता तो माफिया मंगन लगा, महाराज मैं माफ़ी दो, मैं बड़ी गलती की है, मैं तुहानूं तीर मारिया। कहिंदे कोई गल नहीं, ये बदला ही है, मैं भी तैनू चोरी तीर मारिया सी, मैं भी तैनू चोरी तीर मारिया सी, ये बदला ही है, कोई गल नहीं, घबराने वाली कोई गल नहीं। तो भाई जे एडे वड्डे ऋषियां मुनियां नूं बदले देना पैंदे है तो असी कौन है गे, असी तो कुछ भी नहीं है गे। इस वास्ते इस बंदे का जिहड़ा अधिकार है जो काम ने वो इस तरह ही है। हजूर कई बार फरमाते थे बड़ा ब्रिश जिहड़ा हुंदा है इहदे थले जानवर भी आउंदे है और पशु भी आउंदे है, बुरे बंदे भी चंगे भले भी सारे इहदे थले आ के ठंड लैंदे। ये इंसान जिहड़ा ये बहुत बड़ा ब्रिश है, इसने सारियां नूं फायदा देना चाहिए, सारियां नाल प्यार करना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव जिहड़ा उस परमात्मा का जीव है, परमात्मा की पैदाइश है, उस परमात्मा की रूह इन्हां सारियां दे विच है। तो साडा भी फर्ज है कि असी हर एक दे नाल प्यार करिए और प्यार करके असी उस परमात्मा पासों अपने इस जन्म का फायदा लईए। हाँ जी, नानक राम नाम निस्तारा शब्द रते हर पा। अगर किसी का निस्तारा या किसी ने किस्मत बनानी है या अपना प्रलब्ध नूं उचा करना है तो फिर नाम की जरूरत है।
गुरु साहब जी शब्द समाप्त करते हुए जने साफ कह रहे हैं कि नाम के नाल ही भाई तेरा नस्तारा बनेगा, नाम के नाल ही तेरी किस्मत परालब्ध उची बनेगी, बगैर नाम के कुछ नहीं बन सकता। हाँ जी, नानक राम नाम निस्तारा, शब्द रते हर पा। ਇੱਥੋਂ ਦੇ